हेलो फ्रेंड्स, वीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी। बहुत बार ऐसा होता है मार्केट से हम गुलाब जाम या रसगुल्ले जैसी मिठाई लाते हैं या घर में भी बनाते हैं, तो उसका जो शुगर सिरप होता है वो बचता है, तो उसका क्या करने का ऐसा हम सोचते हैं। उस शुगर सिरप में आप ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी इजीली बना सकते हो। मेरे पास भी ऐसा ही शुगर सिरप है जिसमें मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसको मैं थोड़ा सा उसमें शुगर और पानी ऐड करके थोड़ा बढ़ा रही हूँ। ये शुगर सिरप को मैंने गैस पे रखा है, जिसमें मैं ये 2 टेबलस्पून मैंने शक्कर ली है ये ऐड करती हूँ, और थोड़ा 1/2 गिलास मैंने पानी लिया है तो वो मैं ऐड करती हूँ। ये शुगर सिरप मुझे बढ़ाना है इसलिए मैं इसमें ये सब डाल रही हूँ। हरी इलायची इसमें ऑलरेडी डाली हुई है इसलिए मैंने अभी इसमें वो ऐड नहीं की है। तो शुगर सिरप को हम गैस पे ही रहने देते हैं, और इसका हमें कोई तार वाला शुगर सिरप नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसका गाढ़ा शुगर सिरप बनाना है। तो इसको हम उबलने देते हैं, तब तक हम जलेबी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने ये इस कप से मेजर करके 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें हम ये 1 टेबल स्पून दही डालेंगे और 1 ही टेबल स्पून हम घी इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने प्योर घी लिया है, ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ कप पानी लिया है, ये इसमें मैं धीरे धीरे ऐड कर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है ताकि एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हमारा जो जलेबी का आटा है उसके आए, इसलिए हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं पानी। अभी हमने चम्मच निकाल के विस्कर से विस्क करना शुरू किया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे विस्कर से। तीन चार मिनट हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। इसको अच्छे से विस्क कर लिया है हमने 4-5 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें ये ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, आप जलेबी का जो कलर आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये मैं 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शुगर सिरप बन के तैयार हो चुका है। मतलब आपके पास कुछ बचा हुआ शुगर सिरप नहीं है और आप नए से बना रहे हो, तो जितना शुगर लेना है उतना ही उसमें पानी लेना है। शुगर को पिघलने देना है और 4-5 मिनट के लिए उसे बॉईल करके लेना है। तो इस तरह से आप जलेबी के लिए शुगर सिरप बना लीजिए। ये इसमें हम ऐड करते हैं इनो, ज़्यादा नहीं लेना है, 1/2 टीस्पून ही लेना है, और इसे वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे।
दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, एकदम एक चम्मच में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो इस तरह से हमने बैटर को बना लिया है अच्छे से। अभी हम इसे बॉटल में, इस तरह के बॉटल में भर के लेते हैं। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आप दूध का जो बैग रहता है उससे भी बना सकते हो। मैं इसमें डाल लेती हूँ, ये ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल हमें ऐसे ही बड़े वाले बर्तन में लेना है ताकि जलेबी इसमें हम अच्छे से डाल सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें जलेबी डालती हूँ। मैं छोटी छोटी ही बनाती हूँ। ये देखिए तुरंत ऐसे हो ऊपर आ जाती है। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है तो जलेबी देखिए कितनी अच्छी फूल के ऊपर आ चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जलेबी आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है हमारा जलेबी, ये आप देख सकते हो। इस तरह से हम जो जो क्रिस्पी बनेंगे उनको बाहर निकाल के लेंगे। ये देखिए साथ में ही हम फ्लिप भी करके ले रहे हैं, दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक के ले रहे हैं। अभी इसे हम शुगर सिरप में डालेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही क्रिस्पी बनी है हमारी जलेबी, ये देखो आप साउंड भी सुन सकते हो, मैं ऐसे भी आपको साउंड सुना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने शुगर सिरप लिया है और इसमें मैं इसे ऐड करने के बाद हम इसे छोटे से चम्मच से दबा लेंगे नीचे। ये देखिए इसे वो शुगर सिरप एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे हम 40-45 सेकंड के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर इसे शुगर सिरप में नहीं रखना है। ये देखो तो बाकी के भी मैं निकाल के इसमें पका लेती हूँ। जलेबी को गरम गरम शुगर सिरप में डालना है ताकि वो अच्छे तरह से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर सके। मैं एक बनी हुई जलेबी आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो शुगर सिरप कितना अच्छे से इसमें एब्सॉर्ब हो चुका है और हमारी जलेबी कितनी अच्छे से बनी है। एक जाली पे हम इसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा शुगर सिरप है उसमें तो वो नीचे बर्तन में आ जाए। मैं आपको बाद में एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए से बहुत ही अच्छी जलेबी बनी है हमारी। छोटे छोटे ही जलेबी इसमें डालेंगे, ज्यादा बड़े साइज की नहीं डाल रहे हैं हम। तुरंत ही हमारी जलेबी ऊपर आ जाती है, हम जो ऊपर आती है इसे पलट लेंगे। ये देखिए
ये देखिए हम आगे की भी ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं शुगर सिरप में। इस तरह से हम सभी के लिए कर देते हैं और ये भी दिखा देते हैं ये देखिए। इस तरह से ऐसे शुगर सिरप में डुबो लेना है। मैंने ये जानबूझ के छोटे साइज का बर्तन लिया है ताकि हमारी जो चाचनी है ये मेरी बची हुई चाचनी इसलिए मैंने जितनी थी उसको आपको दिखाना है इसलिए छोटे ही बर्तन में लिया है। आप नए से बना रहे हो ज़्यादा चाचनी बना रहे हो तो आप ऐसे बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं। ये देखिए दिखाती हूँ नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना उसने शुगर सिरप एब्जॉर्ब किया है और कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको आपको आवाज़ सुनाती हूँ। पहले तो आप देखिए कि कितना क्रिस्पी है और दूसरा इसमें कितना शुगर सिरप भरा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए पूरा सब शुगर सिरप अंदर तक इसमें गया हुआ है तो इस तरह की जलेबी आपकी बनेगी। ये देखिए पूरा शुगर सिरप इसमें अंदर है। इस तरह से मैं सभी जलेबी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बचे हुए शुगर सिरप से ये हमारा कितनी अच्छी इंस्टेंट जलेबी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।